हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पेंटिंग 049 का एक और प्रैक्टिस सेट, या फिर कह सकते हैं प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर, जो कि हमें भेजा है आदित्य कुमार ने। हम यहां पर आदित्य कुमार का थैंक्स करना चाहेंगे ये क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए। और क्वेश्चन पेपर हम शुरू करने से पहले एक और बात यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे कि जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 60 मिनट्स मिलेगा और उसमें आपको बड़े आराम से करना है, आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है उसमें, क्योंकि 30 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लेंगे और ये इजी क्वेश्चन ही होने वाले हैं आपके लिए, जो क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और ये बहुत इजी होगा आपके लिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है उसमें, क्योंकि कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे दिया गया और आपने उसे कुछ और समझ के उसका कोई और आंसर दे दिया तो यहाँ पर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आप बहुत ही प्यार से आराम से करेंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कोई जल्दबाजी करनी नहीं है वहाँ पर। और चलिए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। ये है इंडियन स्कूल मस्कट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ये मस्कट से क्वेश्चन पेपर आया है। सो इसमें दे रखा है वही जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको मिलेंगे 12 क्वेश्चन, जिसमें से 10 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही बी में मिलेंगे 12 क्वेश्चन, 10 अटेम्प्ट करने हैं। एंड थर्ड में मिलेंगे सी में, यानी आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको करने हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। अब आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्रेट आर्टिस्ट गुमन बिलोंग्स टू विच सब स्कूल राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो आपको यहाँ पर बताना है कि गुमन कौन से सब स्कूल से बिलोंग करता है, कौन से सब स्कूल का पेंटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें वो आंसर दे रखे हैं बूंदी, बीकानेर, चंबा और जयपुर। तो अगर आप पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप एक नोटबुक लेकर के बैठिए और एक पेन लेकर के बैठिए और आप हमारे साथ साथ नोट करते जाइए कि कौन सा आपका आंसर ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आंसर साथ ही साथ रिवील करते जा रहा हूँ कि उसका कौन सा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, गुमन जो आर्टिस्ट है वो है हमारा जयपुर से, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो डी सही है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग is based on which subject matter, रसिक प्रिया, महाभारता, बारामासा और अकबरनामा। तो ये चीज़, तो अकबरनामा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, महाभारत भी नहीं हो सकता है। तो ये जो वैसे इसका जो आंसर है वो ए है। ये आप हमसे पहले अपना आंसर पहले लिख के बैठिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर नहीं पता चलेगा, यहाँ पर हम आंसर बता ही दे रहे हैं तो आपको। तो इसीलिए जो इसका आंसर होने वाला है उसका आंसर होगा रसिक प्रिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निहाल चंद वॉज द चीफ आर्टिस्ट इन विच किंग्स कोर्ट। तो कौन से किंग के कोर्ट में वो आर्टिस्ट था निहाल चंद। तो निहाल चंद यहाँ पर दे रखा है आपको राज सिंह, बी किशन सिंह, सी सावन सिंह एंड डी धर्मपाल। और सावन सिंह जो यहाँ पर है ये है आपका राइट आंसर, सावन सिंह, सावन सिंह आपका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है द कांगड़ा स्टाइल पहाड़ी स्कूल इज ब्लेंड ऑफ। तो कहाँ का मिक्सचर है कांगड़ा स्टाइल यानी कि पहाड़ी में, आप देख रहे हैं आप ऑप्शन ए राजस्थानी एंड ईरानी स्टाइल, बी राजस्थानी एंड मुगल स्टाइल, सी मुगल एंड कंपनी स्टाइल, सी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राजस्थानी एंड ईरानियन तो नहीं हो सकता है, तो ये है राजस्थानी एंड मुगल स्टाइल, यही आपका आंसर है। और कंपनी स्टाइल तो बाद में आया 19 सेंचुरी में, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका जो वैसे भी आता है राजस्थानी एंड मुगल स्टाइल के ही इन्फ्लुएंस से जो है पहाड़ी पेंटिंग इमर्ज हुई थी और स्टार्ट हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब, ऑन विच मैथोलॉजिकल बुक द फेमस मिनिएचर पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा गोइंग टू वृंदावना, किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना। क्वेश्चन नंबर 5 का है यहाँ पर गीत गोविंद, रामायणा, भगवत पुराण और रसिक प्रिया। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो सी है, भगवत पुराण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, मैंशन द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ फेमस पहाड़ी पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा गोइंग टू वृंदावना विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावना। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है नैनसुख, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्परर इन इंडिया। तो इंडिया में मुगल का कौन एम्परर जो है वो फाउंडर कहलाता है इंडिया में,
तो अकबर, हुमायूं, बाबर और औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने तो डिक्लाइन कर दिया था जो आर्ट फॉर्म थी उनका सबका, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके कोर्ट में कोई पेंटिंग करे या फिर कोई डांस करे, तो सारी आर्ट फॉर्म बैन कर दी थी। अकबर ने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स, और इसके टाइम पे हर चीज़ ज़्यादा हुई है, और हुमायूं ने भी स्टार्ट की थी यहाँ पर पेंटिंग, और बट बाबर ने यहाँ पर स्टेबलाइज किया था अपना फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन। मुगल एम्पायर का जो फाउंडर है वो है बाबर। बाबर आपका राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द फेमस बर्ड पेंटर ऑफ मुगल स्कूल वॉज। तो मुगल स्कूल का फेमस बर्ड पेंटर कौन था? तो ये बहुत ही फेमस है, बिशनदास है, मौला राम है, मंसूर है, उस्ताद मंसूर या नैनसुख। तो यहाँ पर ये है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर की ही पेंटिंग जो आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, तो आप वहीं से याद रख सकते हैं। तो बर्ड का जो फेमस आर्टिस्ट था वो उस्ताद मंसूर था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ पेंटिंग वर मेड इन मुगल स्कूल। सो ए, ऑप्शन ए है फ्यूचरिस्टिक पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, रियलिस्टिक पेंटिंग और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो है बी, मिनिएचर पेंटिंग। जो मुगल स्कूल है वहाँ पर पेंटिंग जो बनती थी वो मिनिएचर पेंटिंग ही बना कर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इन विच स्कूल लेडीज आर शोन टॉल एंड स्लेंडर एंड आर वियरिंग द साउथ इंडियन ड्रेस। तो यहाँ पर मुगल दे रखा है, डेक्कन, पहाड़ी और राजस्थानी। तो पहाड़ी और राजस्थानी में साउथ इंडियन ड्रेस पहनने का कोई मतलब नहीं है, और मुगल में ईरानियन ड्रेस होती थी, और पहाड़ी में जो है ये इन्फ्लुएंस हुई है राजस्थानी और मुगल से, तो इसलिए यहाँ पहाड़ी में भी नहीं हो सकती है, और राजस्थान में जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस और मुगल का ही मिक्सचर था, तो यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो और साउथ इंडिया का जो बिलोंग करता है वो डेक्कन स्कूल है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो बी है, डेक्कन स्कूल, क्योंकि ये साउथ इंडिया से बिलोंग है। जो हमारा डेक्कन स्कूल है साउथ इंडिया का ही है। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। डेक्कन स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग का कौन सा मीडियम था, मतलब कौन से कलर में वहाँ पर पेंट हुआ करता था, पेंटिंग हुआ करती थी। तो यहाँ पर दे रखा है एक्रेलिक, ऑयल कलर, वाटर कलर, नन ऑफ दीज। तो वाटर कलर, आपको पता है कि वाटर कलर ही सारे स्कूल्स में यूज़ हुए हैं, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल और डेक्कन स्कूल, सारे इन सारे स्कूल्स में वाटर कलर ही मीडियम हुआ है, और इसके साथ टेम्परा भी लगा हुआ आ सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पेंटिंग ऑफ डेक्कन स्कूल इन विच स्टडी ऑफ टू सेंट्स इन पेस्टल्स सेटिंग हैज़ बीन शोन। तो कौन से इसमें दो सेंट्स इन पेस्टल सेटिंग्स आपको दिखते हैं, कबीर एंड रायदास, डेक्कन स्कूल के। नेम ऑफ द पेंटिंग ऑफ द डेक्कन स्कूल, तो डेक्कन स्कूल की कौन सी पेंटिंग है जिसमें दो सेंट्स दिखते हैं। तो वैसे दो सेंट्स तो आमिर कबीर एंड रायदास में भी दिखते हैं, दो सेंट, बस वो डेक्कन स्कूल की नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी पेंटिंग है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, ये आपका राइट आंसर है, आंसर बी। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 13, विच पेंटिंग हैज़ डिपिक्टेड अ सेंट्रल सब्जेक्ट एज द किंग एंड क्वीन। तो इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट किंग एंड क्वीन का कौन सी पेंटिंग में है वो हमें देखना है। तो इसमें कृष्ण लीला, कृष्ण लीला कोई पेंटिंग वैसे है नहीं, और कृष्णा ऑन स्विंग, कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग है, बट उसमें राधा एंड कृष्णा जी को डिपिक्ट किया गया है, और उसमें टू पैनल भी आपके वहाँ देखने को मिलते हैं, और मारू रागनी। तो बेसिकली ये पेंटिंग है मारू रागनी, जिसमें किंग और क्वीन सेंट्रल बेस्ड उसमें पेंटिंग है, और पूरा जो फोकस है वो पेंटिंग का वो उन्हीं पे जाता है। तो ये यहाँ पर हमारी मारू रागनी पेंटिंग जो है, राइट आंसर है हमारा मारू रागनी, कृष्ण लीला। ये मैंने बस ऐसे ही निशान लगा दिया था, आप लोग बाद में कहते हैं सर आप क्लियरली नहीं निशान वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, विच आर्टिस्ट पेंटेड द राजस्थानी पेंटिंग भरत मीट राम एट चित्रकूट। तो कौन से आर्टिस्ट ने, राजस्थान का कौन सा आर्टिस्ट है जिसने पेंटिंग भरत मीट राम एट चित्रकूट पेंट की है? तो क्या वो दाना ने की है, या फिर उत्कल राम ने की है, दौलत ने की है, या गुमन ने की है? तो ये जो आपकी पेंटिंग है वो अगर आपने वाली लिस्ट देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये लिस्ट आपको ज़रूर पढ़नी है, तो वो आप लिस्ट ज़रूर याद रखें, अभी तक वहीं से सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी आता है भारत मीट, तो ये है गुमन, आपका आर्टिस्ट गुमन जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, विच ऑफ द इन्फ्लुएंस कैन बी सीन ऑन राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग में कौन सा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, कहाँ से पेंटिंग्स वहाँ इन्फ्लुएंस हुई हैं? तो इसमें दे रखा है फोक आर्ट एंड मुगल इन्फ्लुएंस,
डेक्कन इन्फ्लुएंस, मॉडर्न आर्ट और ऑल ऑफ दीज। तो मॉडर्न आर्ट का तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं बनता, तो इसलिए फिर ये ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। और डेक्कन स्कूल जो है वो साउथ इंडिया से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको देखने को मिलता है फोक आर्ट एंड मुगल इन्फ्लुएंस। आपको देखने को मिलता है राजस्थानी पेंटिंग्स में फोक एंड मुगल इन्फ्लुएंस। आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 में ए आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आता है द आर्टिस्ट मनाकू बिलोंग्स विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो इसमें जो मनाकू आर्टिस्ट है वो कहाँ से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आर्टिस्ट मनाकू कौन सी सब स्कूल से करता है। तो ए चंबा, गुलेर, कांगड़ा, बसोली। तो ये जो आपका आर्टिस्ट है वो बसोली से बिलोंग करता है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, वॉट इज़ द अनदर नेम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग का दूसरा नेम कौन सा है। तो ये आपने जो अगर हमारे नया वो वीडियो देखा होगा जो हमने फुल एक वीडियो बनाया 1 hour and 48 minutes वाला, उसमें हमने यहाँ पर दिया है कि पहाड़ी पेंटिंग के अलग नाम जो है दूसरा नाम वो है कांगड़ा पेंटिंग या कांगड़ा कलम या कांगड़ा स्टाइल। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कांगड़ा स्टाइल का दूसरा नाम यहाँ पर पहाड़ी स्टाइल है, क्योंकि डेक्कन तो है नहीं, राजस्थान भी नहीं है, मुगल नहीं है। तो इसका जो जो आंसर है वो सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कृष्णा विद गोपीज बिलोंग टू विच सब स्कूल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कृष्णा विद गोपी जो पेंटिंग है वो कहाँ से पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग है। तो ये कौन से सब स्कूल से बिलोंग करती है। तो इसमें दे रखा है बसोली, कांगड़ा और चंबा, गुलेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बसोली है। बसोली जो आपका फर्स्ट अर्लीस्ट जो सब स्कूल है पहाड़ी स्कूल का, वही बसोली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है मिस्किन वॉज द पेंटर ऑफ विच मुगल एम्परर्स कोर्ट। तो यहाँ पर दे रखा है अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां। तो शाहजहां के कोर्ट में भी तो नहीं था वो, जहांगीर के में भी नहीं था, हुमायूं के में भी नहीं था, तो अकबर के में था वो। अकबर के में ही ये कोर्ट पेंटर था, बट जहांगीर के में इसने थोड़ा बहुत काम किया है, वैसे किया है, लेकिन अकबर का ये मेन आर्टिस्ट हुआ करता था जिसने पेंटिंग बनाई है जिसमें कृष्णा जी ने अपने एक लिटिल फिंगर पे पूरे पर्वत को उठा रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है द गोल्डन एरा ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वॉज द पीरियड ऑफ। तो किसका पीरियड में मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा रहा है। तो आपने आपको यहाँ से देखना है जहाँ जिसने भी ताजमहल बनवाया है वही गोल्डन एरा है उसका। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शाहजहाँ, शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनवाया है, तो वही गोल्डन पीरियड आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ। मुगल की जो स्टाइल की पेंटिंग है वो कहाँ से शुरू हुई है। अगर मुगल डायनेस्टी की बात करेंगे, मुगल डायनेस्टी कहाँ से शुरू हुई है, तो वो बाबर के टाइम से हुई है लेकिन यहाँ पर पेंटिंग की बात करेंगे तो पेंटिंग जो है हुमायूं के टाइम से शुरू हुई है, क्योंकि हम देखते हैं दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा जो पेंटिंग शुरू हुई थी वो हुमायूं के टाइम से हुई थी, जो दो आर्टिस्ट लेकर आया था पर्सिया से, मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, चांद बीवी प्लेइंग पोलो इज एन एक्सलेंस एग्जाम्पल ऑफ विच स्कूल। तो यहाँ पर चांद बीवी प्लेइंग पोलो जो है वो किस स्कूल का एक एक्सलेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं हैदराबाद, गोलकोंडा, बीजापुर और मिगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है गोलकोंडा, ये गोलकोंडा की पेंटिंग है। एंड नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ नॉट अ डेक्कन सब स्कूल। तो डेक्कन सब स्कूल कौन सा नहीं है, मेवार, गोलकोंडा, हैदराबाद, बीजापुर। गोलकोंडा, हैदराबाद, बीजापुर तो डेक्कन स्कूल के ही हैं, लेकिन मेवाड़ जो आपका है वो डेक्कन स्कूल से नहीं बिलोंग करता है, तो ये मेवाड़ होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। तो यहाँ पर दे रखा है क्या सब्जेक्ट मैटर है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो का। क्वेश्चन आंसर नंबर ए है डिस्कशन ऑफ रिलीजियस पोएटिक टॉपिक एंड बी डिसाइडिंग अ वॉर स्ट्रेटजी। तो एक दो सेंट तो यहाँ पर वॉर की स्ट्रेटजी कभी नहीं डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन ऑफ रिलीजियस टॉपिक ये हो सकता है, एंड सी वॉचिंग द म्यूज़िक परफॉर्मेंस। तो इन दोनों में से हो सकता है कि वो रिलीजियस टॉपिक पे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट उसमें जो पेंटिंग में दिया गया है वो तो वैसे म्यूज़िक का डीप थिंकिंग में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो यहाँ पर वॉचिंग द म्यूज़िक परफॉर्मेंस हो सकता है या फिर डिस्कशन ऑफ रिलीजियस टॉपिक हो सकता है। वैसे मुझे जो ये इसका आंसर लगता है वो सी ज़्यादा बेहतर लगता है,
क्योंकि इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी उनके पास है, तो ये हम कह सकते हैं कि वॉचिंग द म्यूजिक परफॉर्मेंस वहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि वो डिस्कशन रिलीजियस टॉपिक पे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि वो म्यूजिक का कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है असरेशन इसका, बनी ठनी वॉज द लवर ऑफ राजा सावन सिंह। तो राजा सावन सिंह की ये बाकी में लवर थी क्योंकि इनके कोर्ट में डांस करती थी, इनकी माँ इनको लेकर के आई थी दिल्ली से, तो इसीलिए ये इनकी वैसे लवर भी थी, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ पर सही है। अब इसका रीज़न देखते हैं, राजा सावन सिंह मेड बनी ठनी पेंटिंग, तो राजा सावन सिंह ने नहीं बनाई है बनी ठनी पेंटिंग, आपको इसका पता होगा कि वो निहाल चंद ने बनाई है, तो इसमें ए सही है और बी, ए सही है और आर गलत है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा ठीक होने वाला है, बोथ ए एन आर ट्रू नहीं होगा, बोथ ए एन आर ट्रू भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी ठीक होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ये जितने ऑप्शंस दे रखे हैं ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में हमें एक ही जगह ऑप्शन दिए गए थे, बाकी सोल्यूशन और रीजंस दिए गए थे नीचे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग रख दिया गया है आपके ऑप्शंस को, तो आप यहाँ से कन्फ्यूजन मत होइएगा, तो यहाँ आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। अब आता है 26, क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है एसरेशन है कांगड़ा स्टाइल पोजेस द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुलेर। तो ये गुलेर का कांगड़ा, तो कांगड़ा और गुलेर का बहुत ज़्यादा मतलब आपस में समन्वय है, क्योंकि यहाँ के मनाकू, जो मनाकू की जो फैमिली थी वो गुलेर से हमारे यहाँ पर कांगड़ा स्टाइल कांगड़ा में आई थी, गुलेर से कांगड़ा में आई थी हमारी मनाकू आर्टिस्ट की फैमिली, और यहाँ पर उनके करेक्टरिस्टिक तो इसलिए सेम हो जाते हैं क्योंकि आर्टिस्ट दोनों की जगह एक ही हैं, और कांगरा आर्ट, फिर आता है रीज़न, कांगरा आर्ट वॉज ऑर्गेनेटेड इन द स्मॉल हिली रीजन ऑफ गुलेर। तो इसका ए और आर ठीक है बट इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो हम यहाँ पर बी इसका आंसर लगाएंगे कि इसके ए एंड आर ट्रू हैं, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इसका बी आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है बेहजाद वॉज अ पर्सियन आर्टिस्ट नोन एज रफेल ऑफ द ईस्ट। तो ये सही है कि रफेल ऑफ द ईस्ट कहलाया जाता है बेहजाद जो पर्सियन आर्टिस्ट है, एंड बेहजाद वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट अमंग ऑल द पेंटर्स ऑफ दैट टाइम। ये हमें कौन बताता है, ये हमें बाबर बताता है अपनी बाबरनामा या तुझके बाबरी में कि बेहजाद जो है उस टाइम का सबसे बेस्ट आर्टिस्ट था, और ये पर्सियन आर्टिस्ट है, इसके बारे में हमें बाबर की बुक से पता चलता है जो कि बाबरनामा है, तो यहाँ पर दोनों ये सही हैं, और बट इसका रीज़न मेरे को सही नहीं लगता है क्योंकि रीज़न में दे रखा है कि बेहजाद वॉज अ पर्सियन आर्टिस्ट और इसके बारे में किसने बताया, ये होना चाहिए था, बट यहाँ पर रीज़न मेरे को नहीं सही लगता है, तो इसमें ए और आर ट्रू लगता है मुझे और आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 28 आता है अब हाजी मदनी बिलोंग्स टू शाहजहां पीरियड। ये ठीक है, हाजी मदनी बिलोंग टू शाहजहां पीरियड और इन्होंने मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा से को पेंटिंग बनाई थी, और इसका रीज़न दे रखा है हाजी मदनी बिल्ड ताजमहल इन आगरा। तो ये गलत है, ताजमहल हाजी मदनी ने नहीं बनाया, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, इसका सी आंसर सही होगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है एसरेशन में है इन द लेटर फेस 17th-18th century AD ऑफ डेक्कन स्टाइल मुगल इन्फ्लुएंस वाज एट द पीक, मुगल इन्फ्लुएंस एज एट पीक। यस, ये ठीक बात है कि 17th और 18th century में मुगल इन्फ्लुएंस हो रहा था क्योंकि वहाँ के आर्टिस्ट इधर उधर जा रहे थे, और इसका रीज़न दे रखा है इट वॉज ड्यू माइग्रेंट ऑफ सेवरल मुगल पेंटर्स टू द डेक्कन ड्यूरिंग द डाउनफॉल ऑफ मुगल पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये सही है, इसके दोनों ठीक हैं, ए और आर दोनों ट्रू है और इसका रीज़न भी ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कॉलम ए दे रखा है मारू रागनी, मारू रागनी, तो मारू रागनी पेंटिंग क्या है, पहाड़ी पेंटिंग है, नहीं, चांद बीवी प्लेइंग पोलो है, नहीं, और किंग एंड क्वीन, तो यस मारू रागनी पेंटिंग में किंग एंड क्वीन दिए गए हैं, तो यहाँ पर वन का सी होगा, एंड कृष्ण लीला थीम जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो पहाड़ी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है, एंड कबीर एंड रायदास ने जो पेंटिंग बनाई है वो उस्ताद फकीरुल्ला ने बनाई है कबीर एंड रायदास पेंटिंग, और डेक्कन स्कूल की एक पेंटिंग है चांद बीवी प्लेइंग पोलो। तो अब हम देखते हैं इसमें वन का सी, टू का ए, वन का सी ये नहीं है, वन का सी ये भी नहीं है, वन का सी ये है और टू का ए ये है, तो वन का सी और टू का ए, थ्री का डी, थ्री
थ्री का डी। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा डी, आंसर डी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूज़न लगा है, जिसमें कि जैसे रीज़न और एसोसिएशन वाले में एक में प्रॉब्लम लग रही है, बट वैसे ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर आने की संभावना है। इतना इजी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप तोड़ फोड़ दोगे, मुझे पता है आप 100% पूरा सही करके आओगे। लेकिन आप उसमें ज़रूर ये ध्यान रखें कि आपको 12 में से 10 ही अटैम्प्ट करने हैं, 12 में से 10 ही अटैम्प्ट करने हैं एंड 6 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो बड़ी सोच समझ के जो आपको आता हो उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें और जो नहीं आता हो उसे छोड़ दें, ठीक है। और अपना टाइम लेकर के पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से करें। और ये आई होप ये ईजी आए, आप लोगों के लिए भी फ़ायदे का रहेगा और हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमें खुशी होगी। और अगर वीडियो आपको सही अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे भी, जो कि हसनार स्टूडियो के नाम से। और आज एक दिक्कत आ रही है कि हमारे जो नोट्स हैं वो नहीं परचेज़ हो पा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल करवा देंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।